welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम किंगडम्स के बारे में बात करेंगे. ये किंगडम्स क्या हैं और ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करे गए हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये किंगडम टॉपिक कहाँ से लिया गया है. ये क्लास 9th के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है एंड इस टॉपिक में बहुत सारी स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है जिसको एक एक करके किंगडम में पुट किया गया था. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं एंड आई होप आपको वो वीडियो समझ में आए. तो ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम जानते हैं. आर एच विटेकर ने 5 टाइप्स ऑफ किंगडम दिए थे या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था उसको, और उसमें डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया था कि किस बेसिस पे या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनके बेसिस पे हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे या उनको डिफरेंशिएट करेंगे. सो देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ते हैं, बट उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं ये टेबल क्या है. ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड अगर ये टेबल अगर समझ में आ गई आपको तो आपके लिए ये जो पूरा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक है ये समझना बहुत इजी हो जाएगा. सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया है. उनको 2 अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है. सबसे पहले हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे हैं यूकैरियोट्स. जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर में. प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर सिंपली एक बार डिवाइड हो गए और वो मोनेरा बनाते हैं. दैट मींस कि अगर हम मोनेरा की बात करेंगे तो उसमें सिंपली ऐसी स्पीशीज होंगी जो यूनिसेलुलर हैं एंड प्रोकैरियोट्स हैं. फिर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 2 टाइप की हमें स्पीशीज मिलेंगी. कौन कौन सी होंगी वो? सबसे पहली होगी यूनिसेल्युलर और फिर होगी मल्टीसेल्युलर. दैट मींस हमें 2 टाइप्स की स्पीशीज मिलेंगी. फिर उसके बाद जो यूनिसेल्युलर है उसको डिवाइड किया गया है आगे, और वो डिवाइड हुआ है प्रोटिस्टा में. प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये भी एक किंगडम है जिसमें अगर प्रोटिस्टा में कोई एनिमल या कोई स्पीशीज है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्युलर हैं. फिर मल्टीसेल्युलर की बात करें जब, तो मल्टीसेल्युलर को आगे और 2 में डिवाइड किया गया है. एक है जिनमें सेल वॉल होती है और दूसरे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है. तो जो सेल वॉल होती है उसको आगे 2 में डिवाइड किया गया है, बट जो सेल वॉल नहीं होती है उनको बोला गया है एनिमेलिया. दैट मींस इनमें जितनी भी स्पीशीज होंगी वो एनिमल्स से रिलेटेड होंगी. फिर उसके बाद जो सेल वॉल जिनमें होती है उनको भी फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है ऐसे स्पीशीज जो कोई भी फोटोसिंथेसिस का एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. दैट मींस उनमें कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. तो ऐसे कौन सी स्पीशीज है? वो है फंजाई. क्यों? क्योंकि फंजाई यूजुअली वाइट कलर की होती है और हमने हमेशा से पढ़ा है कि ऐसी जो स्पीशीज होती हैं किसमें फोटोसिंथेसिस होती है, सिर्फ उन्हीं स्पीशीज में होती है जिनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है. तो वो पिगमेंट किसमें होता है? प्लांट्स में होता है. तो जिनमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो सकता है वो प्लांटी में आएगी, और जिसमें नहीं हो सकता है फोटोसिंथेसिस वो फंजाई कहलाएगी. ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक छोटी सी टेबल जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कैसे इन ऑर्गेनिज्म, दैट मींस मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सारे किंगडम्स में कौन कौन सी स्पीशीज को किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रखा गया है. सो सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा. इस किंगडम के बारे में हम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले इन शॉर्ट मैं बता दूं कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक फैमिली से बिलोंग करता है. इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में न्यूक्लियस नहीं होता है.
न्यूक्लियस इन सब में लैक करता है, दैट मीन्स इनका जो डीएनए है वो किसी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इन किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं। एंड इसका हैबिटेट क्या होता है, इसका हैबिटेट यूजुअली ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स, ओशन, सीज, ऐसी जगहों पे ये मोनेरा के जो स्पीशीज हैं ये पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। जैसा मैंने आपको टेबल में बताया था अभी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या हैं, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें इनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो एक ही सेल ही होता है, वो कोई डिफरेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, एक ही सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है और प्रोकैरियोट्स होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है और इस डायग्राम में डिफरेंट ऑर्गनलीज हैं इसकी जो अलग अलग प्रोसेस करती हैं या अलग अलग फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। तो इस ऑर्गन में या सॉरी इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, इस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी इसकी जो भी स्ट्रक्चर है या न्यूक्लियस है वो कोई भी डेवलपमेंट शो नहीं करता है। दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपैरेटस या राइबोसोम्स, ये सब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, एक बाउंड है, एक बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर है या एक कवरिंग के अंदर है। और ये यूकैरियोटिक में फाउंड यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं ये, पर यहाँ पे सबसे पहले शो हुआ है दैट दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली कवर्ड नहीं होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होगा या साइटोप्लाज्म में होगा बट कोई भी आउटर कवरिंग डीएनए के बाहर नहीं होगी। देन थर्ड पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दैट मीन्स ये अपना फूड किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो ये जो है अपना फूड कंज्यूम करते हैं बाय टू मीन्स, आइदर फ्रॉम द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फ्रॉम द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। एंड हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं टू कंज्यूम देयर फूड। देन नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल, दैट मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है। जो डायग्राम है वो एक बैक्टीरिया का डायग्राम है एंड इस बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो शो हो रही है, कैप्सूल शो हो रही है, सेल वॉल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, देर आर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो एक बैक्टीरिया में शो हो रही हैं। देन सम ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल दैट इज बैक्टीरिया और बीजीए। नाउ व्हाट इज बीजीए, बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आपकी बुक में डिफरेंट टाइप से नाम भी लिखा है, साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो साइनोबैक्टीरिया कुछ और नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी का ही साइंटिफिक नेम है। देन व्हाइल अदर लैक सेल वॉल, दैट मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। देन इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरिया है या बीजीए, दैट इज साइनोबैक्टीरिया मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ये डायग्राम जो है ये बहुत ही एक यूनिक डायग्राम कह सकते हैं या कह सकते हैं बहुत ही ईजी डायग्राम है, क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंपल स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में बिलोंग करती हैं। तो इसको ड्रॉ कर देंगे अगर आप किंगडम मोनेरा में तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो द सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटेस्टा। इस किंगडम में क्या है, इसमें बेसिकली जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं सारे इंक्लूड करे जाते हैं दैट आर नॉट फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया है और इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिसाइड करी गई हैं। ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है
ये बहुत ही कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बिसाइड्स वन थिंग कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दैट मीन्स इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। साथ ही साथ इस किंगडम प्रोटेस्टा में बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे क्या कि प्रोटेस्टा जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिससिमिलर है, दैट मीन्स इनमें कोई भी ऐसी सिमिलैरिटी नहीं है जो देखने में सेम लगे इसमें। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो, इनका जो आउटर अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। देन जो ये प्रोटेस्टास हैं इनको यूनिसेल्युलर भी डिफाइन किया गया है, बहुत टाइनी होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं एंड ये मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर में डिफाइन किया गया है अमीबा को एंड मल्टी सेल्युलर में सीवीड्स हैं और डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर इसका एक और कैरेक्टर है कि ये जो मल्टी सेल्युलर प्रोटेस्ट होते हैं इनका जो एक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इनकी और भी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हैं, पहली है दैट दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, बट यूजुअली इनमें यूनिसेल्युलर पहले पाए जाते हैं क्योंकि इनके जो मैंने आपको टेबल बताई थी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनको यूनिसेल्युलर के वे में देखते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। दैट मींस जैसे कि हमने देखा था किंगडम मोनेरा में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस रहता है एंड इनमें जो सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, गॉल्गी अपैरेटस है, ये सारी जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं ये इसमें होती हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है इसका है सम प्रोटिस्ट यूज अपेंडेजेस। अब नाउ व्हाट इज अपेंडेजेस, इट्स न्यू वर्ड। अपेंडेजेस मतलब होता है लेग्स, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं या कह सकते हैं क्रॉल कर पाते हैं। सो दे यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया। सीलिया जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर लाइक होता है, हेयर से रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी सेल मूव कर पाता है। देन उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी वजह से वो मूव कर पाता है। देन स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया हमने बहुत कॉमन सुना है, बहुत ही कॉमन नेम है ये। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, फॉल्स फीट होती है। एंड अमीबा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। एंड विप लाइक फ्लैजिला, जैसा मैंने जब आपको बैक्टीरिया बताया था तो बैक्टीरिया में आपको मैंने फ्लैजिला की भी एक डायग्राम दिखाया था और वो फ्लैजिला जो होता है वो विप लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है और वो फ्लैजिला किसमें होता है, यूग्लेना में, फॉर लोकोमोशन। नाउ व्हाट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन इज बेसिकली कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना या शिफ्ट होना इज सेड टू बी लोकोमोशन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो ये मोनेरा की तरह ही दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी शो करता है एंड हेटरोट्रॉफिक भी शो करता है। ऑटोट्रॉफिक का जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लेना और हेटरोट्रॉफिक का जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स, डायटम्स में इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है नेविकुला एंड देन पैरामीशियम। पैरामीशियम एंड यूनिसेलुलर एल्गी, यूग्लेना, ये सारे बहुत ही कॉमन इसके एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं इनसे क्वेश्चंस एंड इनके बारे में भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक में दी रहती है। सो द थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी यूकैरियोट्स हैं ये सारे यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे फंजाई के अंदर जो लाई करते हैं वो होते हैं मशरूम्स, ईस्ट, मोल्ड्स, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो यूकैरियोट्स कहलाते हैं वो किंगडम फंजाई में इंक्लूड करते हैं।
इनमें स्पेशल क्या है? इनमें स्पेशल ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बनती है। एंड ये जो फंजाई है ये ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। व्हाट इज ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आर सराउंडिंग, दे आर प्रेजेंट लिटरली इन एवरीवेयर। एंड ये जो किंगडम फंजाई है ये बेसिकली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से कंपोज हुआ है। सो ये जितना भी किंगडम फंजाई है इसमें हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही बड़ा रोल है। तो एक एक करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनकी पहले हम बहुत ही अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है हम कह लें। तो सबसे पहले है ऑलमोस्ट ऑल दी फंजाइज आर फिलामेंटस। What is filamentous? That they contain some kind of filament structures in it. And ये filament structures क्या होते हैं? जैसे yeast cell या ऐसे structures जो filament contain करते हैं। Then उसके बाद second point है that they can be either single cell or multicellular organism। मतलब कि ऐसे organisms जो कि multicellular भी हो सकते हैं and single celled organisms भी हो सकते हैं। देन इसमें थर्ड पॉइंट जो आएगा किंगडम फंजाई में वो होगा दैट किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर बेसिकली नोन एज हाइफी। ये हाइफी कहलाते हैं। ये हाइफी जो है ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड ये फंजाई जो है एक सेल वॉल पोजेस करती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। तो एक एक करके हम इसका पढ़ लेते हैं। दैट दीज आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दैट मींस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम फंजाई में वो सारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन सेकेंड है दे मे बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। दैट मीन्स कि ये जो है फंजाई ये यूनिसेल्युलर हो सकती है जैसे ईस्ट और दी फिलामेंटस लाइक जैसे बहुत सारी जो फंजाइज होती हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होती हैं। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्युलर एट दी सर्टन स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। दैट मीन्स कुछ ऐसी फंजाइज भी होती है जो पहले यूनिसेल्युलर होती है बट जब वो ग्रो करती हैं आगे जाती हैं न्यू स्पीशीज बनाने की उस पर आती हैं स्टेज पे तब वो यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर हो जाती हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट होती हैं। एंड वाइल सम अदर्स आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली डेड और डीकिंग ऑर्गेनिजम्स को अपना फूड बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स पैरासिटिक भी होती हैं ये एंड सैप्रोफिटिक भी होती हैं सच एज म्यूकर एंड एगेरिकस। दैट मीन्स इसका जो एग्जाम्पल है म्यूकर है और एगेरिकस ये सारी चीज़ें ये सारी फंजाइज जो होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज Their cell wall is made up of tough complex sugar. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि that fungi की जो cell wall होती है वो एक hard substance की बनी होती है। तो वो hard substance क्या होता है? वो एक tough complex sugar molecule होते हैं। वो chitin कहलाते हैं और fungal cellulose कहलाते हैं। तो ये नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा chitin and fungal cellulose। That means जो fungi है उसकी जो cell wall है वो इन इसकी ही बनती है। दैट मीन्स एक टफ शुगर कोटिंग होती है और उसे काइटिन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ईस्ट में जैसे पेनिसिलियम हो गया या फिर मशरूम में एगेरिकस हो गया। तो ये सारे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज ये ऐसी फंजाइज कुछ ऐसी भी फंजाइज होती हैं जो परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंस शो करती हैं। नाउ व्हाट इज परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंस? दैट मीन्स दो फंजाए आपस में एक साथ रहती हैं एंड वो एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं जैसे कि एक रिलेशनशिप बिल्ड होना। दैट मीन्स कि जब एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों को साथ में आकर के वो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। उसी तरीके से ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है फंजाई में।
तो एक कोई सी भी फंजाई जो है वो बीजीए दैट मींस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रिलेशन म्यूचुअल रिलेशन में आती है एंड उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस जो है इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और इसका जो एग्जांपल है वो है लाइकेन। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है लाइकेन जो कि एक म्यूचुअल डिपेंडेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो ये था किंगडम फंजाई का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस डायग्राम में यूजुअली आपको बहुत सारी चीज़ें किंगडम फंजाई के बारे में पता चलेगी। सो द फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट के ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करे जाते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे एंड यूकैरियोटिक होंगे विद द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्युलोज। दैट मीन्स जितने भी सेल्स होंगे इनके और उनकी जो सेल वॉल होगी वो एक कंपाउंड की बनी होगी, वो होगा सेल्युलोज। देन द सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। दैट मीन्स इनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होगी और जब तक उस प्लांट की डेथ नहीं हो जाती वो कंटिन्यूस ग्रो होता रहेगा। देन द थर्ड पॉइंट इज दे आर ऑलवेज फिक्स एट वन साइड एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। दैट मीन्स उनकी जो पोजिशन रहती है वो कम्प्लीटली फिक्स रहती है थ्रू आउट द लाइफ। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स डू। Then the next point is their mode of nutrition is autotroph. Obviously plants हैं तो their mode of nutrition has to be autotrophic. And autotrophic का मतलब क्या होता है? That the organism can produce their own food with the help of sunlight, water and minerals by the process called photosynthesis. And chlorophyll is photosynthesis को perform करने में बहुत important role play करता है. Then the main part of kingdom Plantae is there are five subgroups which are divided into thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. In पांच subgroups में ये kingdom plantae जो है वो divided है and एक एक करके इन सारी जो भी ये subgroups हैं इनके बारे में detail explanation दिया हुआ है। So as I have already told you that R.H. Whittaker has divided the organisms into five groups or five kingdoms. What are they? First is the Monera, Protista, Fungi, Plantae and the last one is the kingdom Animalia. जो R.H. Whittaker ने कैसे इन organisms को identify किया और organize किया? उन्होंने basically mode of nutrition से, किसी भी body के organization से या किसी की body structure से, इन सारी चीज़ों से उन्होंने इन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक वे में ऑर्गेनाइज किया। किंगडम एनिमेलिया भी उनमें से एक है एंड ये सबसे बड़ा किंगडम है फाइव किंगडम्स में। किंगडम एनिमेलिया जो है वो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग कि इसमें बहुत सारे फाइलम्स हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 फाइलम्स हैं देन आगे और डिवाइडेड है। तो ये जो किंगडम है इसमें सबसे ज़्यादा फाइलम्स हैं और इनके बारे में हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। इनकी जितनी भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड इनके एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस किंगडम में पढ़नी है। ये किंगडम बेसिकली हमें बताता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करे गए हैं। सो इनका जो ये ग्रुप है या ये कह सकते हैं ये सब डिवाइडेड है। किंगडम एनिमेलिया इज सब डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स और 10 फाइलम्स। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज द पोरीफेरा। पहला है पोरीफेरा, सेकंड है सिलेंट्रेटा और निडेरिया। इसको प्रोनाउंस करते प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इन फाइलम्स को अगर सही से हमें प्रोनाउंस करना ही नहीं आएगा ना हम इनको लिख पाएंगे सही से और ना हम इनको समझ पाएंगे कि क्या इनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला है पोरीफेरा, देन सेकेंड वन इज सिलेंट्रेटा। इट इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा एंड उसका दूसरा नाम जो है वो है निडेरिया। देन द थर्ड वन इज प्लैटी हेलमेंथिस। प्लैटी हेलमेंथिस अगर आपको इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो इसको आप सिंपली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लैटी हेलमेंथिस
ये चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आपको प्रोनंसिएशन आ जाएगा इसका, कि एक्चुअल में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. देन द फोर्थ वन इज ASCII helminthis. ASCII hel अगेन min एंड देन this. दैट मीन्स कि ASCII helminthis इसका चौथा फाइलम है या फोर्थ फाइलम है, उसका दूसरा नाम है नीमाटोडा. देन फिफ्थ है एनिलीडा, इसका किंगडम एनिमेलिया का फिफ्थ फाइलम है. ये सारे जो है ये फाइलम कहलाते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड फाइलम्स. पॉरीफेरा इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज द सिलेंट्रेटा और निडेरिया, द थर्ड वन इज प्लैटी हेलमेंथिस, फोर्थ वन इज ASCII helminthis और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीमाटोडा, देन फिफ्थ वन इज एनिलीडा, देन नेक्स्ट वन इज द आर्थ्रोपोडा, सेवेंथ वन इज द मोलस्का, एट इकाइनोडर्मेटा, इसको अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं. दैट मीन्स बेसिकली इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तीन पार्ट्स में तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. देन हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन इज कॉर्डेटा. सो ये थे 10 फाइलम्स. कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है इंटू प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स. प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर दिया गया है. जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसको फर्दर नहीं डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स को आगे और डिवाइड किया गया है इंटू पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया. इन पांच कैटेगरीज में आगे इसको डिवाइड किया गया है एंड ये सारे फाइलम्स मिला करके किंगडम एनिमेलिया बनाते हैं. सो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा कि इसमें R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को लेकर के, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाया R.H. विटेकर. R.H. विटेकर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाया है एंड किंगडम एनिमेलिया उसका सबसे बड़ा एक किंगडम है जिसमें हम बहुत सारी स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं. पहले हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे. किंगडम प्लांटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे फाइलम नहीं होता है. हमेशा ये बात याद रखने वाली है कि जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ डिविजन्स होते हैं. दैट मीन्स जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं उनको डिविजन्स कहा जाता है और जब हम एनिमल्स की स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उनको फाइलम बोला जाता है. सो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन अगर आई हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके. इस टॉपिक में, इस पूरी वीडियो में अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. थैंक यू सो मच.